अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं आकाश ब्लॉग। इंट्रो में घर पे स्टार्ट कर नहीं पाया क्योंकि दोस्त आ गया था। मैं बस मोबाइल उठाया मैंने इंट्रो के लिए और दोस्त आ गया, दरवाज़ा बजा दें चलो कॉलेज चलते हैं। आज कॉलेज आना था तो मैंने चलो ब्लॉग बना लेते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं कॉलेज, तो अभी चलते हैं अंदर फिर देखते हैं। ये हमारा कॉलेज है। सीन ये हुआ है, हम लोग आए थे फॉर्म के लिए और फॉर्म अभी तक आए नहीं, तभी हम क्लास में जा रहे हैं, एक आध क्लास लेते हैं फिर वापसी की करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको अपनी डेस्क खुद साफ करनी होती है अपने पर्सनल कपड़े से, क्योंकि वहाँ कपड़ा भी अवेलेबल नहीं होता। हम लोग क्लास में पहुँचे तो मैथ की क्लास चल रही थी। हमारा कॉलेज शिफ्ट हो गया है तो ये बिल्डिंग और यहाँ का फर्नीचर बिल्कुल न्यू है, तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी हम सिर्फ ये मैथ की क्लास लेंगे और फिर चले जाएंगे। कॉलेज में फैंस चल रहे थे जिस वजह से मुझे ये वीडियो वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। यहाँ से मुझे वापस जाके अपना ब्लॉग कंटिन्यू करना है, सो ऐसे मैं ज़्यादा देर रुक नहीं रहा कॉलेज में क्योंकि अभी कोई काम नहीं है और पढ़ाई आपको पता है कॉलेज की कैसी होती है। तो भाई घर में आ गया, असल में सीन वहाँ ये हुआ कि मैंने बोला ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, क्लास से निकला मैं, क्लास ख़त्म हो गई थी मैथ की तो मैं निकला, लेकिन फिर सर बोलने लगे यार या तो क्लास में चले जाओ या फिर घर चले जाओ, क्योंकि यहाँ खड़े हो गए तो हमारे लिए मसला होगा, प्रिंसिपल ग्राउंड पे है। तो यार चलो घर जाकर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, क्या करें यार, रुक के क्लास में जाना नहीं था दोबारा, तो फिर मैं आ गया। तो अभी ऐसा सीन है कि अभी मैं नाश्ता करूँगा, नाश्ता लेता हुआ आ गया मैं, नाश्ता करके फिर मैं जाऊँगा फैक्ट्री, आज थोड़ा सा काम है वहाँ, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से आने के बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अगर वहाँ ऐसा कुछ हुआ ब्लॉग कंटिन्यू करने जैसा तो मैं वहाँ का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, वरना फिर मैं घर आके फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो यार अभी मैं सर से पढ़ रहा था तो मैंने सर से बोला सर ब्लॉग बनाना है मुझे, शाम का टाइम हो जाएगा फिर जा नहीं पाऊँगा मैं बाहर। तो सर बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ब्लॉग बनाने की छुट्टी है, झूठ बोल के नहीं ली। सर ने बोला था अगर झूठ बोल रहे होगे ना तो फिर आगे से मैं छुट्टी नहीं दूंगा। तो सर देख लिया मैं ब्लॉग बनाने ही जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान अपने नाना की कब्र पे। जुम्मे वाले दिन मैं गया नहीं, उससे पहले जुम्मे को मैं गया था तो थोड़ी सी कब्र को रेनोवेट करना है, तो मैंने बोला चलो कब्र को रेनोवेट करते हुए ब्लॉग बना लेंगे। तो अभी चलते हैं थोड़ी सी रेनोवेशन करते हैं, बाकी फिर वहाँ दिखाते हैं आपको। सर जाने से पहले मैं यहाँ पर आ गया था नर्सरी में, तो मैंने ऐसे पौधे ले लेता हूँ मैं कब्र पे लगाने के लिए ना, तो उन्होंने बोला कब्र पे वाले लगते हैं, तो मैंने ये वाले 6 ले लिए हैं अभी, तो अभी देखते हैं किस तरह लगाने हैं। सामान मैंने वहाँ रख दिया सारा, लेकिन पानी वाला मैं ढूंढ रहा हूँ यार, पानी वाले बच्चे नहीं खड़े हुए, तो आगे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं तो वहाँ जाके उनसे पानी लेते हैं। ये मेरे नाना की कब्र है ये वाली, तो पहले ना ये पौधे बड़े हुए थे ना, तो इस वजह से मॉड लेकर आया था ताकि मैं वहाँ भी लगा दूँ, लेकिन वहाँ पर अभी मैं आया हूँ तो ये भी बड़े हो गए, तकरीबन मुझे 1.5 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ते बाद आया हूँ मैं, तो ये भी बड़े हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ लगा दूँगा ताकि यहाँ लग जाए। अच्छा इसमें जो है ना ये सिर्फ सादे पौधे हैं, फूल वाले नहीं हैं। उससे मैंने पूछा, उसने मुझे ये वाले पौधे दिए जो इस कब्र में लगे हुए ना, तो इसी यही वाले पौधे उसने मुझे दिए हैं, ये वाले इसमें भी यही फूल हैं, तो अभी जो है मैं यहाँ पर लगा दूँगा ये, फिर इंशाल्लाह यहाँ पर भी जो है पूरी कब्र जो है हरी हो जाएगी। तो मैं यही चाह रहा था पूरी कब्र हरी हो जाए, तो अभी स्टार्ट करते हैं काम, पानी आ गया है तो काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस साइड से और उस साइड से ना बिल्कुल ऐसे ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ इसको सही कर दूँ मैं, इस वजह से मैंने बोला थोड़ी रेनोवेशन कर लूँ, ये थोड़ा ना निकल रहा है तो इसको सही कर दूँगा, बस सही रहेगा, वरना इस तरह निकलते निकलते ना बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो इसको सही करते हैं फिर आगे का आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। काम स्टार्ट करने से पहले मैं फातिहा पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह काम स्टार्ट करते हैं। मैं बजरी बना रहा हूँ, मैं इसको बना के लगाते भी दिखाता हूँ, ये है कि वीडियो कम बनाऊँगा काम ज़्यादा करूँगा, ये काम जल्दी भी करना है, तो मैं वीडियो में सारा दिखाता रहा तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाएगा और काम भी सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीमेंट बजरी जल्दी लगानी पड़ेगी सूखने से पहले। बड़ा गेंद दे गया था मुझे, मैंने सोला पानी जो है ना मुझे ज़्यादा चाहिए, तो बड़ा गेंद दे गया था मुझे अभी ये ना। मैं अपना काम हो जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और मंगवा लेंगे। तो अभी मैं लगाते भी दिखाऊंगा ये सीमेंट, ये अब बस यहाँ लगानी है ये, तो इसको लगाते हैं। आप सबसे गुजारिश है जो जो ये ब्लॉग देख रहा है सब एक दफ़ा सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के मेरे दादा दादी और मेरे नाना को इसाले सवाब करते हैं, और जितने भी मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं उन सबको इसाले सवाब कर दें। यहाँ का भी बिल्कुल सही हो गया, वहाँ का भी बिल्कुल सही हो गया, यहाँ दोनों जगह से अब ये काम तो हो गया कंप्लीट, अब इसके बाद जो है दूसरे काम करते हैं, फिर वो आपको दिखाते हैं दूसरे काम क्या करना है। पौधा लगाने के लिए गड्ढा कर दिया है, आई थिंक इतना गड्ढा काफ़ी होगा, हाँ तो थैली पूरी अंदर तक जा रही है तो सही है, इतना काफ़ी है गड्ढा, तो सही से लग गया है ये,
और सही है बिल्कुल ये ना, तो काफ़ी अच्छे से लगाई। अब मैं दूसरा लगाने जा रहा हूँ यहाँ, काफ़ी टाइम लग रहा है उसको लगाने में, तो जल्दी लगा के फिर सारे लगा के अब वीडियो बनाता हूँ। तो अभी काम कंप्लीट हो चुका है, पौधे वगैरह लग गए हैं, सीमेंट वगैरह लगाती है, बस अभी जो है ना वो कलर का काम बाकी है, वो बस कलर का काम करके फिर चलते हैं इंशाल्लाह घर अभी। तो इसको लगाते हैं, ब्रश में घर से ले आया था, थार रखा हुआ घर पर, तो अभी इससे करते हैं फिर काम जो है ना, मिट रहा था सारा ना इस तरह, तो फिर मैंने सोचा चलो उसके ऊपर कलर ही कर लेते हैं, तो अभी मैं कलर लेकर आ गया था तो वही कर रहा हूँ मैं। तो वीडियो बनाते बनाते तो बहुत मुश्किल है इसको करना, तो इसको करने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो भाई सारा काम कंप्लीट हो गया है, आप बस इंशाल्लाह फातिहा पढ़ के और सारे सवाब करके इंशाल्लाह घर जाऊँगा फिर। तो भाई ब्लॉग को फिर यहीं करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ब्लॉग में किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।